राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। एंड प्रीवियस कुछ वीडियोस काफी डिफरेंट टाइप्स के, इजी मीडियम मिजाज में जब आ रहे हैं, बट हाँ सो स्मूथ ताकि आप ऊपर चढ़ सकें, तो आप वो वीडियोस देख रहे होंगे आई होप। तो शिव आज से क्वेश्चन एक इसी टाइप का है, थोड़ा डिफरेंट होगा, एक वर्ड बाय चॉइस नहीं होने वाला, जैसे मैं आपको पहले हिंट दे रहा हूँ। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ओके सो आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल राइट। तो एक बार मैं क्विकली क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, यू कैन पॉज एंड आल्सो रीड इट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको एरे दे दिया बेसिकली 10, 100, 10, 5, ठीक है, एक चोर है, ठीक है शिव, और ये हर एक ब्लॉक एरे का एक घर में कितना पैसा है वो बता रहे हैं, एक घर में कितना पैसा है वो बता रहे हैं। अब चोर आया चोरी करने की, अब वो चोर क्या है ना, वो लगातार किसी दो घर में चोरी नहीं कर सकता, मतलब इसमें अगर चोरी किया तो इसमें फिर चोरी नहीं कर सकता, वह दिक्कत हो जाएगा उसको, सब पकड़ देंगे, हो हल्ला हो जाएगा, सुन जाएगा, तो क्या करेगा, दिमाग से काम करेगा, अगर इसमें चोरी करूंगा तो फिर मैं इसको नहीं करूंगा, इसमें कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ, व्हाटएवर, बट इसको छोड़ के फिर इसमें नहीं कर सकता, अब फिर सिमिलर अगर इसमें किया तो इसमें नहीं कर सकता, तो लगातार बस चोरी नहीं कर सकता, एंड उसको, और वो चोर का अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ही करेगा ऑब्वियसली, और वो सिर्फ चोर है, उसको सब घर का सर्वे पता है, किस घर में कितना पैसा रखा हुआ है, तो उस हिसाब से प्लान बना के जाएगा, मैं कहाँ कहाँ जाके चोरी करूँ, सो दैट आई कैन गेट ए मैक्सिमम रुपीज, चोरी कर सकता, तो आपको चोर का मदद, सिंपल यही क्वेश्चन। तो अब आपको बता, चोर को हेल्प करना है कि कैसे जाए ताकि वो मैक्सिमम रुपया उठा सके, तो यू हैव टू फाइंड इट मैक्सिमम रुपीज कितना उठा सकता है, टारगेट इज मैक्सिमम कितना उठा सकता है, जैसे इस केस में मैक्सिमम क्या होगा ना, 100 से चोरी कर देगा, 5 से 5 से 100-200 रुपये, कॉमन स्टार्ट सेंस कहीं दिखता से है। भी कर सकते हैं क्या करें? हाँ शुभ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो इसमें मैक्सिमम वही आंसर 110, 110। तो या वो चोर को सब चीज पता है, सब पता है, बस उसको एक ऑप्टिमल प्लान बना के चोरी करना है, ठीक है, बस वो दो घर पे लगातार चोरी नहीं कर सकता, नहीं तो आंसर क्या हो जाता, नहीं तो सबका सम ही आंसर हो जाता, अगर दो घर में चोरी कर पाता तो सम ही आंसर हो जाता, ठीक है, अगर कोई बोलते हैं भैया तो वो अल्टरनेटिव में चोरी कर देगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ऐसा मत सोचना है, क्योंकि अगर इधर मैं 1 रख दूंगा तो 105 + 1 + 10 अजीब आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं अल्टरनेटिव में चोरी करे, तो सोचना थोड़ा उस बात, तो यहाँ एक बार वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो, हालांकि बनना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं शिव के पास, तो शिव आप बताइए। करण, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग के लिए स्टार्ट करने के लिए दो दो पोजीशन है। अब या तो फर्स्ट प्लेस से शुरू कर सकते हैं या फिर सेकंड प्लेस से शुरू कर सकते हैं। क्यों थर्ड से भी कर सकते हैं ना शिव, नहीं करण, थर्ड से करने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर फर्स्ट से भी चालू करेंगे तो थर्ड पे तो पहुंच ही जाएंगे। एज अ स्टार्टिंग पोजिशन हम लोग या तो फर्स्ट पे शुरू हाँ कर सकते हैं या हम लोग सेकेंड पे शुरू कर सकते हैं। देखो गैस, एक बात तो हमको पता है कि कहीं भी पैसा नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, पैसा कुछ ना कुछ तो है, राइट। आप कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, खाई है तो नहीं होगा, या आपका पैसा जाएगा तो नहीं, तो हाँ शुभ बोला कि फर्स्ट सेकंड से करना चाहिए, थर्ड से करो, अगर थर्ड से आपकी इच्छा है तो फर्स्ट में करो, क्या दिक्कत है, अगर थर्ड से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट में भी करो, अच्छी बात है, और एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आपको मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, ठीक है शुभ, और क्या बोल सकते हो। और करण, इन जनरल जैसा हम अगर देखे बाय चॉइस हम लोग पढ़ते हैं तो उस ट्रेंड से तो थोड़ा सा ये बनना मेरे समझ से ऊपर जा रहा है। या आप तो ही जरा क्वेश्चन गाइड करते हैं। बाय चॉइस, क्योंकि चॉइस ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, अच्छा पर्टिकुलर अपने कोई भी ग्रेड का क्वेश्चन किए तो समझ आता है कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है, क्वेश्चन का शिफ्ट फ्लो वैसा रहता है कि हम समझ जाते हैं क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं, हम ये करो ये करो, वो फ्लो रहता ही है, वो क्वेश्चन बढ़ के समझ आ जाता है कि ये करो ये करो ये करो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसमें हम काम करने देते हैं किसको, पीएमआई को, यार पीएमआई डू इट्स वर्क, दो ही तो मिनट पड़े हैं, सारा क्वेश्चन उसी से बन रहा है, तो पीएमआई से सोचते हैं, पीएमआई से हम क्या सोचते हैं कि चोर, एक पर ध्यान देते हैं, तो मैं बोलता हूँ चोर भाई तू इधर चोरी कर, चोरी कर, अगर इस पर मैं चोरी करवा दूं तो बाकी इस पर तो चोरी नहीं कर सकता, कंस्ट्रेंट आ गया, तो इसमें इसका आंसर रिकर्शन भाई ये क्या आ जाए, इस पर चोरी करने से कितना क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है शिव, और एक केस क्या सोच सकते हैं कि भाई चोर तक इधर से चोरी नहीं करना ना, ठीक है तू इधर से चोरी कर, राइट, तू इधर से चोरी कर दे, बाकी और रिकर्शन संभाल जाएगा, आई डोंट केयर, बस उतना ही तो है, पीएमए का उतना ही काम है, तो वी शुड थिंक ऑफ द इनिशियल वन, तो हम सोचेंगे भाई इस पे चोरी करूं कि नहीं करूं, अगर इस पे करवा रहा हूँ ठीक है करवा दो, 5 रुपया आ गया प्लस, अब बाकी इस पे करवा दो, और इस पे मेरे को काम निकले, इसका काम करेगा पीएमआई, रिकर्शन करके मेरे को आंसर दिला देगा, एंड आई विल गेट सम आंसर, लेट्स से A1, ठीक है, और क्या सोच सकता हूँ, मैं बोलूंगा भाई ठीक है चोर को इधर से चोरी नहीं करना चाहिए, कुछ नुकसान हो जाएगा तो भाई तुम इधर से चोरी करो, इधर से चोरी करने का काम मेरा है ही नहीं, मेरा काम सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करना है, पीएमआई वही इशू, एक पे फोकस करो, तो इधर से चोरी करना है तो आप खुद से करो, बट इसमें अरे थोड़ा बड़ा है, कि इस टाइम में 110, 510 था, अभी 5 भी इंक्लूडेड है, अभी मैं ये बड़ा अरे दे दिया, अब इस पर आप चोरी करो भाई और आंसर लाओ, आई डोंट नो व्हाट एवर आप आंसर लोगे A2, अब शुभ जहां मैक्सिमम होगा, जहां मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, बस उसको मैक्सिमम पैसा उठाना है,
तो जहाँ मैक्सिमम आंसर आएगा वही रट्स में फाइनल आंसर, A1 और A2 का जो मार्क्स होगा रट्स में आंसर। क्लियर है? यस करें, बिल्कुल ही आसानी से हो गया पीएमआई से। पीएमआई से आसानी से हो गया, तो बस गाइस सिंपल पीएमआई ही सोचना है। और कोई बस ये कंफ्यूज मत ना भैया, हम सीधा थर्ड से चोरी कर दें तो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में भी कर दो, एक्स्ट्रा पैसा ही आएगा, बस ये स्टार्टिंग में भी क्लियर कर दिया, बस सिंपल यही अप्रोच है। पीएमआई से आराम से बन भी गया, एक पे अपने फोकस किए एंड एक पे फोकस करके जो केस बन सकता था वो बना लिए, अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल दैट्स इट। पीएमआई एक बार ट्राई रन कर लेते हैं शुरू से क्या होगा, ठीक है? ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो गाइस, ट्राई रन वाला अगर ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो। शुभ क्या होगा, हम इस पे जाएंगे 5 पे, तो एक केस में 5 को यही है, अब नेक्स्ट अरे पास कर दिया 100 10 5 एंड नेक्स्ट फेज में कर दिया, और छोटा सा कोई केस रहते हैं शुभ, कोई बड़ा केस हो जाएगा छोटा, ठीक है 1 2 3 और 1 2 3 अगर आपका अरे, ठीक है। तो पहले शुभ आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे मैं या तो 1 मुझे चोरी कर देता हूँ, 1 यही है प्लस अब नया अरे है 3, नया अरे 3, क्योंकि 2 पे तो चोरी नहीं कर सकता कंस्ट्रेंट है। अगर मैं 1 पे चोरी ही नहीं करता हूँ तो क्या होता है शिव, 2,3 और मेरे पास सम 0 है अब तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा शिव, फिर 2 केस चोरी करूं क्या नहीं करूं, अगर इसमें मैं कर देता हूँ तो मैं हो गया 4 और एरे एम्प्टी हो गया, राइट। अगर चोरी नहीं करता हूँ मैं तो आगे बढ़ा देता हूँ तो 1 और एरे एम्प्टी है। इसमें शिव क्या होगा, अगर चोरी करता हूँ मैं 2 पे तो 2 और 3 के आगे तो कुछ है नहीं, वो भी एम्प्टी है। अगर 2 पे चोरी में नहीं करता हूँ तो आगे बढ़ा देता हूँ तो नाउ आई हैव 0 3, राइट। अब जो अब एम्प्टी है, एम्प्टी तो कॉल किस पे करेगा, तो रिटर्न कर देगा जो सम अब तक उसके पास आया है वॉट एवर, तो रिटर्न करेगा। अब इस पर अगर आप कॉल करोगे तो इधर से ओवरऑल आपका आंसर 4 आएगा, इधर से ओवरऑल आपका आंसर आएगा 1, और वो ये किसको देगा शुभ, अपने मैक्सिमम को जाएगा, 4 1 4 है तो इधर से आपका रिटर्न हो जाएगा 4 इस पार्ट से। और इधर से क्या होगा शिव, इधर से 3 है, 3 पे फिर करेगा 2 ऑपरेशन, या तो 3 को दिया जाएगा तो 0 प्लस 3 3 एंड एम टी, 3 को नहीं देगा तब 0 में भी एम टी, तो इधर से मैक्सिमम क्या है 3 3 3 रिटर्न किया, इधर से आया रिटर्न 2 हुआ एंड ओवरऑल इधर आया 3, तो 4 और 3 में मैक्सिमम क्या है शिव, 4, 4 इज द मैक्सिमम। और शिव अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो यही आंसर होना चाहिए 1 3 4, और तो बचता भी नहीं उपाय। यस यस, तो ये पार्ट बन गया। अब एक डाउट जो मन होगा भैया, तो फिर डीपी क्या यूज हुआ, डीपी का ही तो यूज ही नहीं हो रहा भैया। देखो एक केस छोटा था शायद, जिससे आप डीपी को मैं इलस्ट्रेट नहीं कर पाया प्रॉपरली, पर अगर आप देखोगे ध्यान से फिर डीपी तो यूज हुआ। देखो शुभ इधर एरे क्या था 3, यस 3 इधर एरे क्या शुभ, और यहाँ पर भी एरे 3 है, जब हम सेम एरे पास करेंगे सेम साइज का सेम एरे, तो उस टाइम पे उस एरे से जो मैक्सिमम रिजल्ट आया उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं और फर्दर उसको यूज कर सकते हैं उस मैक्सिमम को, उस मैक्सिमम सम को, ताकि फर्दर हम अगेन कैलकुलेट करते ना बैठ जाएं। बस वही बात, अगर इधर आपके 3 है तो आप देखोगे 3 से मैक्सिमम क्या आएगा, या तो 3 को लोगे या तो नहीं लोगे, इसको ये जाओ इसको भूल जाओ, इसको ये के नीचे हो जाओ तो लोगे तो 3 नहीं तो 0, जैसे मैक्सिमम से 3 है उसको स्टोर कर दिए, तो इधर जब फिर आप 3 पे कॉल किए तो यू कैन से इसका आंसर 3 है, तो आपको जो ऑपरेशन करना था आप कर सकते हो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट हाँ इस टाइम हम स्टोर कर दिए आंसर। सो इसमें बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सम को एक साथ लेके चल रहा था, ऐसे प्रैक्टिकली हम रिटर्न करवाएंगे है ना शुभ, लाइक हम जैसे रिटर्न करवा के ऐड करवा देंगे, मैं इसको लेके चल रहा था फॉर प्रैक्टिकल लाइक दिखाने के लिए आपको, आई थिंक एक बार कोड लिखने शुभ क्लियर हो जाएगा पूरा। दिस इज सिंपल पीएमआई प्लस डिकॉशन, पीएमआई प्लस डीपी हम पहले भी किए पीएमआई प्लस डीपी, राइट, दूसरा आई थिंक पीएमआई प्लस डीपी है। तो सिंपल और शुभ बेस केस क्या हो जाएगा, अगर जो इंडेक्स है हमारा वो एन को पार कर गया दैट्स बेस केस, राइट। रिटर्न कर देते हैं रिकर्शन, प्लीज गाइस जैसे वीडियो पॉज करके खुद को देखो, इनफ अब आप तो सीख गए होंगे, जीरो एन तो इनिशियली हम जीरो इंडेक्स पे है और एन हमारा एंड इंडेक्स, राइट, ठीक है। एन के जगह पे एन माइनस, चलो ओके एक ही बात है शुभ, ऊपर एडजस्ट हो जाएगा एंड रिकर्शन, और क्या अपने पास int star array int i int n, अगर शुभ आपका i n से बड़ा हो गया, बड़ा बराबर या बड़ा return हो गया 0, नहीं तो आपके पास दो चॉइस, राइट, तो आंसर 1 क्या होगा सिंपल, या तो हम इसको ले देते हैं अभी जो है और इसके आगे वाला नहीं लेके उसके आगे से array को पास कर देते हैं, array i plus recursion of i plus 2, 1 नहीं i plus 2 क्योंकि i plus 1 पे constraint लग गया, consecutive देना मना है अपने को, comma एंड और ये एरे पास करना था, क्लियर आई थिंक, राइट। इससे जो भी आंसर मेरे पास आंसर है दैट्स स्टोर्ड हियर
आंसर टू इज इक्वल टू व्हाट, एरे ऑफ, इसको लेना ही नहीं अभी, बस सेकंड से बुला देना रिकर्शन ऑफ। गाइस अगर आपको पीएमएम में दिक्कत हो रहा है तो वॉच द इनिशियल वीडियोस ऑफ रिकर्शन, काफी क्लियर हमने डिस्कस किया। इवन हम उसको ये भी बोल रहे थे कि चॉइस मेथड इज अ सबसेट ऑफ पीएमए, बस उसमें थोड़ा सोचने में डिफिकल्टी होता है पीएमए से, सो वी थिंक फ्रॉम द चॉइस, बट पीएमए इज द बेस एवरीथिंग। अब हमारे पास दोनों आंसर राइट शिफ्ट, इसको लेके भी बिना लिए भी जो मैक्सिमम है अपने पास रिटर्न मैक्स ऑफ, मेरे हिसाब से हो जाएगा एंड टीएरी आ जाएगा, बट स्टिल आई डोंट नो जीएफटी टीएरी देगा नहीं देगा, या इसका आंसर 110 राइट अभी हम कर रहे थे। ओके या टीएरी आ गया, यस तो इसमें जीएफटी ने सही, तो इस टाइम तो इसमें शुभ 120 dB हो जाएगा, बिकॉज हमका एंड ऑफ द एरिया ऑलवेज फिक्स राइट, हम स्टार्टिंग से इतने कितना लेंगे वो डिपेंड करता है। देखो एक बार आपका एरिया का ये साइज है, तो आपका हमेशा इधर से इधर तक, इधर से इधर तक कॉल होगा, कभी आपको ऐसे बीच से कॉल नहीं होगा दो एलिमेंट, बिकॉज हम एक स्टार्ट से पूरा एंड तक ले रहे हैं, तो ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम हम कहते थे शुभ उसमें क्या ना कोई भी बीच का दो एलिमेंट दे सकते थे, तो हम सारा सबसेट बनाए थे सब सीक्वेंस एन स्क्वायर आया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम इधर से इधर तो इधर से एंड तक ही हो गए, इधर से इधर तो इधर से एंड तक ही हो गए, तो एंडिंग हमेशा फिक्स है, तो स्टार्टिंग को फिक्सेट करना है, ठीक है। वी कैन डीपी अरे शुभ क्या होगा साइज डीपी अरे का, आई थिंक एन 10^4 राइट, सो वी कैन मेक एन डीपी ऑफ 10^4 राइट, और इनिशियल जीरो। हमारे फ्रेंड्स सब समझ भी पा रहे हैं कैसे ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज करने से ये ऑर्डर ऑफ एन का हो जाएगा, वी डिस्कस दैट शुड, ठीक है। एंड तो ये इसको लिख लेते हैं, तो dp of i minus 1 सेम प्रोसेस, तो क्या इधर इफ अगर dp of i इज नॉट इक्वल टू -1 राइट, रिटर्न करो dp of i, अगर वो माइनस वन शुभ है तो मतलब इधर बस सिंपल सिर्फ सब में सेम ही, मैं बार बार बात ये बात बोल रही हूँ कि कुछ अलग करते ही नहीं है, तो डीपी को कभी भी ऐसा कुछ बड़ा चीज मत चले ना, रिकर्शन ही है, बस दो तीन लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना है, और सब में लाइन सेम ही शुड, बस इफ कंडीशन और रिटर्न समय इक्वल टू करना, या आराम से सॉल्व हो गया, तो काफी सिंपल है गाइस। मैं फिर बोल रहा हूँ डीपी को कभी ऐसा डिफरेंट टॉपिक मत सो, रिकर्शन बनता है तो डीपी बनता है, बस दो तीन लाइन शुभ एक्स्ट्रा ऐड करना है, और थोड़ा ट्री को खुद से बनाना है राइट, तो हम लोग समझ पाते हैं कि डीपी यहाँ लग रहा है, रिकर्शन में हम लोग ट्री नहीं बनाते थे बिकॉज बस ऐसे लिखना रहता था, ठीक है। अब ओ ऑफ एन कैसे हुआ गाइस, एक बार सिंपल सोच लेते हैं, क्योंकि शुभ देखो अगर आपका एरे का साइज एन है, ठीक है, जीरो से एन आई को हम एक ही बार कॉल करेंगे ना, जीरो से लेकर एन तक एक ही बार कॉल करेंगे, ये तो मतलब कॉमन लोग समझ भी सकते हैं और समझ भी गए, हम कितना वीडियोस में डिस्कस किए कि ऑफ टू का पावर एन एन हो जाता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वन पे एक बार कॉल की चलो इसका आंसर आपके पास आ गया, और दूसरे बार उसको कॉल ही नहीं करना, उस पे वैल्यू अगर स्टोर हो चुका है फिर दोबारा कॉल ही नहीं करना, तो हर एक मैक्सिमम या हर इंडस्ट्री एक बार कॉल करो मैक्सिमम, तो ऑफ एन इन द वर्स्ट केस, और स्पेस तो आप एक्सचेंज डीपी आर बनाए हो तो ऑफ एन तो हो गया, दैट्स इट, तो कोई दिक्कत का बात नहीं, ऑडियंस इज स्मार्ट, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, या तब तक ये ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जय हिंद।